पहले लेंगे हम एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे सरसों, एक चम्मच डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे मेथी दाना और इसको भून लेंगे। भून और निकाल लेंगे एक सिलबट्टे में। देखिए फ्रेंड, हमने ले लिया है और इसमें डालेंगे लहसुन डालेंगे ये दरदरा कूटने के बाद। चलिए हम इसको कूट के लाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने दरदरा कूट लिया है और इसमें ऐड करेंगे लहसुन, छिलके के साथ लेंगे और इसको भी दरदरा कूट लेंगे। देखिए इतना दरदरा सा काफ़ी है, छिलका ले उसमें टेस्टी बहुत टेस्ट आता है उसमें। चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। देखिए फ्रेंड, हम इसमें डालेंगे एक से डेढ़ चम्मच ऑयल डालेंगे। ये इंस्टेंट अचार है, 15 दिन तक रहेगा, फ्रिज में रखने से एक महीने तक भी चलेगा। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और डालेंगे सरसों डालेंगे। ये चटकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे देखिए फ्रेंड, हमारी राई चटकने लगी है। हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कच्चे आम डालकर 2 मिनट हिलाएंगे और इसमें डालेंगे ये हमारा मसाला, दरदरा कूट लिया है हमें, ये डालेंगे। इसको भी 2 मिनट चलाएंगे। इसमें डालेंगे नमक डालेंगे 1 से 1.5 स्पून, अपने टेस्ट के हिसाब डालिएगा। और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून डाल लिया है हल्दी पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच और इसको अच्छे से मिलाएंगे। बहुत ही झटपट वाला इंस्टेंट वाला अचार बनकर तैयार होगा, बनाते ही खा सकते हैं इसको। दो मिनट इसे ढककर पकाएंगे। देखिए फ्रेंड, ढक्कन हम खोलेंगे। देखिए हमारा आम पानी छोड़ चुका है और 2 मिनट तक पका के इसको बंद कर देंगे। इंस्टेंट वाला अचार बनकर तैयार होगा बहुत ही जल्द और 5 मिनट में बनकर तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए 2 मिनट के बाद इसको सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड, हम ढक्कन निकालेंगे, हमारा अचार बनकर तैयार है। बहुत ही लाजवाब खुशबू भी आ रही है। चलिए हम इसको सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंस्टेंट वाला अचार बनकर तैयार है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।